हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कुलदीप राठौड़। वी आर गोइंग टू डिस्कस माइनर पेपर, DCM नंबर 39 पेपर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस जेई मेन सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस के वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन अपने को पॉजेज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन और द सेट ऑफ रेशनल नंबर। देखो, तीनों होमोजीनियस इक्वेशन है, तीनों को क्या निकालना है अपने को, ट्राइवल सॉल्यूशन होना, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होना। वो कब होता है, जब डेल्टा इक्वल टू 0। तो अपन डेल्टा लिख लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा क्या आएगा, 1k 3, 3k-2, 2 3-4। ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसको 0 के इक्वल पुट करना है, -4k -6, -4k+6, फिर के साथ में -k -12+4, तो माइनस का 8, 3 के साथ में 9 -2k+3 × 9 -2k इज इक्वल टू 0। तो k वाली वैल्यू कितनी है, -4+8, तो +4 और -6, तो -2k आ जाएगा इधर, +6 और यहाँ पे 27, 6 और 27 33 इक्वल टू 0। तो 2k का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 33। तो इसने 2k का वैल्यू पूछा है। 2k इज एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ, तो वो 33 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड नंबर क्वेश्चन, p+q+r p+q+r का वैल्यू कितना है, 0, और a+b+c का भी वैल्यू 0 की है। चलो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो pa के साथ में क्या आएगा, ra into qa, मीन्स a²qr - p²bc - qb के साथ में क्या आएगा, qc into qa, ac² - pb into rb, तो कितना आएगा, pr into b², फिर प्लस rc के साथ में क्या आएगा, pqc², rc के साथ में आएगा pqc² माइनस ra into b rb, तो r² ab। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो pa इससे मल्टीप्लाई होगा, तो pqr into a³, फिर पी क्यू आर कहाँ कहाँ पे आएगा, पी क्यू आर सेकेंड इसमें आएगा। देखो pqr into bq प्लस का, तो a³ + b³, और पी क्यू आर कहाँ पे आएगा, इसमें pqr into c³, तो +c³, फिर pa into p²bc, तो -ka ab c into pq, फिर abc के साथ में -abc into q³, तो -abc कॉमन ले लेते हैं, pq, और वैसे ही एक और आ जाएगा r³। अब अपने को पता है a+b+c=0, तो aq+bq+c³ किसके इक्वल होता है, 3 times abc के, 3 times abc, और यहाँ पे सेम p+q+r भी 0 है, तो 3 times pqr। ये देखो 3 into abc pqr, 3 into abc pqr, तो सेम क्वांटिटी है, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या आ गया अपना, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। a+a and b are 2 square matrix ऑफ ऑर्डर ab = 3x3 ऑर्डर की दो मैट्रिक्स है, ए और बी, रिलेशन गिवन है अपने को, ab = ba, ab = a और ba = b। तो इससे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, b² = b, और इससे क्या आ जाएगा, a² = a। अब चलते हैं अपन a+b के होल पावर 7 चेक करना है ना अपने को, तो पहले तो a+b का होल स्क्वायर क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं। क्या आएगा, a² + b² + ab + ba। अब देखो a² का वैल्यू तो a है, और b² का वैल्यू b, ab का वैल्यू a और ba का वैल्यू b, तो 2 times a+b आ गया, a+b किसका वैल्यू है, a+b के होल स्क्वायर का। वैसे a+b का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए टू टाइम्स ए प्लस बी, और साथ में क्या है ना ए प्लस बी, तो ये फिर से स्क्वायर आ गया, इसका वैल्यू ये रख दो तो टू इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का क्यूब क्या आ रहा है टू स्क्वायर ए प्लस बी। ऐसे सिमिलरली अपन देखेंगे तो ए प्लस बी की पावर सेवन कितना है, देखो क्यूब में पावर टू आ रही है, टू में वन आ रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा ए प्लस बी पावर सेवन में टू की पावर सिक्स इंटू ए प्लस बी, कितना हो गया ये ए प्लस बी के साथ में टू की पावर सिक्स 64, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इफ ए इज ए नॉन डायगोनल इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ए क्या है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, अपने को पता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कब होती है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल हो आई के, तो ए आई को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई, इनका मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स के इक्वल, तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स हो, या फिर प्रोडक्ट, दोनों में से एक जीरो मैट्रिक्स हो तो क्या हो सकता है ए माइनस आई जीरो मैट्रिक्स हो तो ए इक्वल टू आई आ जाएगा, और ये जीरो मैट्रिक्स हो तो ए प्लस आई इक्वल टू जीरो, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस आई। अब देखो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, वन 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 होते इसका एलिमेंट, और इसके माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो इसने बोला है कि नॉन डायगोनल है, मतलब ये तो पॉसिबल है नहीं दोनों ही, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही जीरो आएगा, ये जीरो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो ये नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी और ये वाले भी नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो अपना कौन सा ऑप्शन हो गया नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर की, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है टू, तो अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है इसकी, अपने को पता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर यही होता है। चलो अब आगे देखना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, इसका इनवर्स देखना है, ये क्या आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स का स्क्वायर, वो कितना होता है वन अपॉन ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर क्या करना है इसका भी इनवर्स लेना है, तो ये क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, और उसका भी इनवर्स, और उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट का क्या वैल्यू है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, वन अपॉन में लेके जाएंगे ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है टू, टू का स्क्वायर फोर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो इसमें कौन सा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में अपने को दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी दो मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में रिलेशन अपने को गिवन है ए बी इक्वल टू बी ए, तो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका, पहले तो ए बी इंटू बी ए निकाल लेते, उससे पता चल जाएगा क्या करना है, ए बी इंटू बी ए, तो वन थ्री टू फोर ए बी सी डी इक्वल टू ए बी सी डी, बी ए इंटू ए वन टू थ्री फोर, मल्टीप्लाई करो, रो टू कॉलम होता है ए प्लस टू सी, रो टू कॉलम बी प्लस टू डी, फिर इसका थ्री ए प्लस फोर सी, और फिर थ्री बी प्लस फोर डी, इधर से मल्टीप्लाई हो गया तो अपने पास में ये आ गया, इधर से क्या आ रहा है देखो रो टू कॉलम ए प्लस थ्री बी, फिर 2a प्लस 4b, फिर c प्लस 3d और 2c प्लस 4d। अब देखो दोनों साइड से मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब पर्टिकुलर ये वाले एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, तो a प्लस 2c किसके इक्वल हो गया a प्लस 3b के, और ये वाला भी इक्वल कर दो तो b प्लस 2d किसके इक्वल हो गया 2a प्लस 4b के, तो यहां से अपने को a माइनस डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देखो एक तो a माइनस डी 2a माइनस डी, 2d को इधर ले आओ और b माइनस 4b, तो माइनस का 3b इक्वल टू 2 टाइम a माइनस डी, तो a माइनस डी का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में माइनस 3 बाई टू इंटू बी।
और यहां से ए और ए कैंसिल है तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 3/2 इंटू बी। अब देखो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, किस किस का वैल्यू पुट करना है। ए माइनस डी का वैल्यू तो है -3/2 अपॉन 3b, 3b तो एज इट इज रहने जा रहे, माइनस सी 3b माइनस 3/2 सी का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 3/2 ऊपर है और -3/2 नीचे, तो माइनस का 1 आ जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, माइनस का 1, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अपने को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स बी ए उसकी पावर एन। तो पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं, उससे पैटर्न पता चल जाएगा, स्क्वायर क्यूब निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करें तो क्या आ गया, ए इनवर्स बी ए इंटू ए, वापस लिख दो स्क्वायर करना है तो बी ए। देखो ये दोनों मिलकर क्या बन गई, आई मैट्रिक्स, और आई इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ए इनवर्स बी स्क्वायर इंटू ए, स्क्वायर में ये आ गया। वैसे क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी क्यूब ए, और वैसे ही पावर एन में लेके जाओगे तो यहां पे बी की पावर कितनी आ जाएगी, एन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इनवर्स बी की पावर एन इंटू ए, ए इनवर्स बी की पावर एन इंटू ए, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, देखो एक मैट्रिक्स ये है, दूसरी ए है, तीसरी ये, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है अपना, आई मैट्रिक्स। तो अपने को ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ए का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स से फ्री करना पड़ेगा इसको, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ तो इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड में इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली इस साइड में इसका इनवर्स आ जाएगा और इसके साइड में इसका इनवर्स, और बीच में आई मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स दोनों में से किसी से मल्टीप्लाई करो तो उसी में मिल जाएगी। तो अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालनी ए की, क्या आएगा इसका इनवर्स और इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई। देखो इसका इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ इसका डिटर्मिनेट, 4 - 3 कितना हो गया 1, और इसका एडजॉइंट वो क्या है 2 का, और यहाँ पे क्या हो जाता है, बस इनका साइन चेंज हो जाता है आपस में। अब दूसरा मल्टीप्लाई करना है इसका डिटर्मिनेट का वैल्यू 9 और -10, तो 1 अपॉन -1 आ गया। फिर देखो -3 - 3 तो एज इट इज रह जाएगा, और यहाँ पे इनका फिर से साइन चेंज हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले ख़त्म हो गए, तो कितना आया 2 - 3 - 1 2, और साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3, 5, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करो, देखिए रो 2 कॉलम 6 - 5 कितना आ गया 1, फिर 4 - 3 फिर से 1, -3 - 9 + 10 तो 1, और फिर -6 + 6 तो क्या आ गया 0। तो कौन सा आंसर आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना 9। ये क्या है अपना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है, आंसर किस फॉर्म में लेके आना है, लॉग। देखो तो इसी का लॉग आ रहा है, मतलब ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा बना होगा कॉन्स्टेंट टाइप, और फिर इसमें बी एक्स, इसमें तो कॉन्स्टेंट टाइप बना होगा और इसमें क्या बना होगा, इसका डिफरेंशिएशन, तभी लॉग आया होगा। तो अपन क्या लिख लेते हैं, 2 cos x को 2 cos x - sin x + λ, इसको किसके फॉर्म में लिख लेते हैं, एक तो नीचे वाले की फॉर्म में, ए तो अपने पास में गिवन है ना, अपन किसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा इंटू सेम चीज नीचे वाला डिनोमिनेटर cos x + sin x - 2। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे वाले के सम और उसके क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन के सम के रूप में लिखना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस बीटा कर लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन cos x - sin x और sin x - cos x। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड से कोफिशेंट, देखो cos x के साथ में इस साइड में आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया अपने पास में 2, और इधर साइन एक्स के साथ में क्या आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, और इधर -1, तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो गया -1, और लेमडा का वैल्यू कितना है अपने पास में
माइनस टू अल्फा। यहां से तो अपन निकाल लेंगे अल्फा और बीटा का वैल्यू, और लैम्डा का वैल्यू रख देंगे तो माइनस टू अल्फा। इन दोनों को सम करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 और बीटा का वैल्यू 3/2। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 आ गया तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया -1। देखो इसके साथ में अल्फा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो अल्फा बेसिकली किसके इक्वल है, बी के इक्वल। अल्फा अपॉन ये बनेगा ना, कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे तो अल्फा बन जाएगा। तो अल्फा क्या है, बी। तो बी का वैल्यू अपने पास में कितना हो गया 1/2, और बीटा क्या है अपने पास में, ये वाला ए। तो ये वाला ए क्या आ गया अपने पास में, बीटा का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना आ गया 3/2, और लैम्डा का वैल्यू अपन ने निकाल ही लिया -1। 3/2, 1/2 और -1, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 10। जो तीन प्रोडक्ट है अपने पास में, कॉस तीन बार प्रोडक्ट में, और उसका मल्टीप्ली प्रोडक्ट का मल्टीप्लिक इंटीग्रेशन करना है। तो मल्टीप्लीकेशन को अपन को किस में चेंज करना होता है, सम में, सबसे पहले इंटीग्रेशन में। तो पहले इसको और इसको मर्ज करने के लिए अपने को क्या बनाना है, 2 टाइम कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई सिक्स और ये दो। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस सी प्लस डी वाला लगा दे, तो 2 टाइम कॉस 2x को एज इट इज रख लेते, और ये 2 इसके साथ में मर्ज होकर क्या बना देगा, कॉस। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x, इन दोनों को ऐड करेंगे x प्लस पाई बाई सिक्स और इसको, तो क्या बन जाएगा 5π/6 प्लस पाई बाई सिक्स, तो पाई बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 2x प्लस कॉस, इन दोनों का माइनस, इसमें से इसको माइनस करें, 5/5/6 माइनस पाई बाई सिक्स कितना हो गया 4π/6 मीन्स 2π/3। और उसका करना है अपने को इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, सॉरी इनडेफिनेट है उसका तो चक्कर ही नहीं है, 2 टाइम इंटीग्रेशन। देखो पाई प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो 2 cos 2x इंटू कॉस 2x, पाई प्लस थीटा देख लो कितना होता है, सॉरी माइनस कॉस 2x, और फिर कॉस 2π/3, तो माइनस का 1/2 इंटू dx इंटीग्रेशन करना है। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस, बाहर ले लो तो 2 cos² 2x और प्लस का 1 से ये कॉस 2x इंटू dx। अब माइनस बाहर है, और 2 cos² थीटा कितना होता है 1 plus cos 2 थीटा, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा cos 4x प्लस cos 2x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर है और 1 का हो जाएगा x, और cos 4x का sin 4x/4 प्लस sin 2x/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। तो ये कौन से ऑप्शन में अपने पास में, sin 4x, ये पहला ही ऑप्शन मिल गया, 4x/4 sin 2x/2 प्लस x माइनस बाहर है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11। e^(x-1) ये कोई इंटीग्रेशन है, इसको अपने को कन्वर्ट करना है। देखो f(x-1) प्लस f(x-4), और fx क्या है अपने पास में, e^(x/x) का इंटीग्रेशन है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो अपने को इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, पहले देखो 2x तो ऊपर है और नीचे क्या है x²-5x+4, उसको क्या लिख सकते हैं x-1 और x-4। तो अपने को बेसिकली कन्वर्ट किसको करना है, 2x/(x-1) और x-4 को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, उससे अपना काम हो जाएगा। तो 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, a(x-1) प्लस b(x-4). a प्लस b का वैल्यू तो आ जाएगा 2, और -a - 4b का वैल्यू आ जाएगा 0, इसका मतलब a का वैल्यू -4b। अब 4b a का वैल्यू पुट कर दो तो -3b, -4b प्लस b इक्वल टू 2, इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया -2/3, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/3, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, a और b के वैल्यू आ गए। अब अपने को देखना है इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, a(x-1) b(x-4),
और इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टू बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर और प्लस, सॉरी ए किसका, हाँ एट बाई थ्री इंटू अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन बी अपॉन एक्स माइ, ये आएगा बी, इसमें डिवाइड करेंगे तो एट बाई थ्री बी का वैल्यू, सॉरी ए का वैल्यू कितना आएगा एट बाई थ्री और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस फोर से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा नीचे एक्स माइनस फोर प्लस बी माइनस टू बाई थ्री अपॉन एक्स माइनस वन, ये तो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इसको अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, e की पावर x माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, e की पावर x माइनस वन और e की पावर x माइनस वन, इंटीग्रेशन करना है, ये लो dx, इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये तो क्या हो गया अपने पास में f ऑफ x माइनस वन हो गया क्योंकि नीचे x माइनस वन है तो माइनस टू बाई थ्री एफ ऑफ x माइनस वन, और इसको कन्वर्ट करना है x माइनस फोर लेके आना है ना ऊपर f ऑफ x माइनस फोर, तो e क्यूब से डिवाइड कर दे और e क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा ये x माइनस फोर हो जाएगा, तो ये क्या बन गया अपने पास में एट ई क्यूब बाई थ्री इंटू एफ ऑफ x माइनस फोर। ठीक है अभी देखो इसको क्या करना आगे, तो अपने को a और b का वैल्यू बताना है, f ऑफ x माइनस वन के साथ में तो a है माइनस टू बाई थ्री और ये क्या है एट ई क्यूब बाई थ्री, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया सेकंड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा अपना 12, cos पावर 4x dx अपॉन sin क्यूब x sin पावर 4, ये सब दिया हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, जो कोट की फॉर्म में आ रहा है इसका मतलब अंदर अपन कोट बनाना, कोट कब बनेगा जब sin की पावर 5 बाहर निकाल ले, sin की पावर 5 बाहर निकालेंगे तो sin क्यूब बन के आएगा, 3 बाई 5 पावर है ना, तो नीचे साइन क्यूब और क्यूब मिलके साइन पावर सिक्स, ऊपर कितना है कॉस पावर फोर, तो एक साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा कॉस एक स्क्वायर एक्स, और जो साइन पावर फोर था वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा कॉट पावर फोर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस कॉट पावर फाइव एक्स की पावर थ्री अपॉन फाइव, इंटीग्रेशन कर अपन क्या कर लेते हैं इसको टी अज्यूम करेंगे, वन प्लस कॉट पावर फाइव एक्स को टी पावर फाइव ही अज्यूम कर लेते हैं, ये पावर फाइव वन अपॉन फाइव वाला खत्म हो जाएगा काम, ये कितना आएगा फाइव कॉट पावर फोर एक्स और कॉट का डिफरेंशिएशन कितना आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा फाइव टी पावर फोर डी टी, फाइव से फाइव तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस उस साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा ऊपर इंटीग्रेशन माइनस टी पावर फोर इंटू डी टी और यहाँ पे कितना रखना है टी पावर फाइव तो नीचे कितना आ जाएगा टी क्यूब, टी क्यूब तो ऊपर कितना आ गया माइनस टी डी टी तो कितना आ गया माइनस टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट माइनस वन बाई टू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है अपना इसकी पावर टू बाई थ्री कर दे तो वन प्लस कॉट की पावर फाइव और उसकी पावर टू बाई फाइव प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो क्या किया हमने, इसने पूछा क्या है माइनस वन बाई टू यहाँ पे फाइव, ये तो फाइव है, ए का वैल्यू तो फाइव और बी का वैल्यू टू बाई फाइव, इसने ए इंटू बी पूछा है तो टू बाई फाइव इंटू फाइव कितना आ जाएगा टू, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 30, डिफरें इंटीग्रेशन करना है किसका लॉग एक्स की पावर एन का, अपने को कंप्लीट इंटीग्रेशन तो होगा नहीं तो इसने कुछ रिलेशन पूछा है किसमें आई एन और आई एन माइनस वन में, तो पहले तो आई एन देख लो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स पावर एन इंटू डी एक्स, अब देखो इसके साथ में वन अज्यूम कर लूँ उसको क्या ले लूँगा सेकेंड फंक्शन और इसको ले लेता हूँ फर्स्ट फंक्शन, अब क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है और सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन
और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, एन लॉग एक्स की पावर एन माइनस वन और फिर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। देखो एक्स और एक्स कैंसिल, एन बाहर निकाल लूंगा तो ये कितना बच गया, आई एन माइनस वन। तो ये क्या आ गया, एक्स लॉग एक्स की पावर एन माइनस एन इंटू आई एन माइनस वन। किसका वैल्यू है ये, आई एन का। इसने किसका वैल्यू पूछा, आई एन प्लस एन इंटू, इसको इधर लेके आएंगे तो वही वैल्यू तो है। ये वाला क्या, एक्स लॉग एक्स की पावर एन, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ई की पावर ए इज डिफाइन एज, ई की पावर ए को डिफाइन करके रखा है कुछ इसमें। ए क्या है अपने पास में, एक्स एक्स सारे के सारे एलिमेंट सेम है, एक्स के इक्वल है। अपने को चाहिए ए स्क्वायर ए क्यूब, ये सब चाहिए। तो पहले ए स्क्वायर ए क्यूब ही देख लेते हैं क्या आता है। ए स्क्वायर का वैल्यू देखो क्या आएगा, एक्स 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 क्या आ गया, एक्स इंटू एक्स टू एक्स आएगा और फिर टू एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। वैसे ए क्यूब निकालना चाहे तो टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर और साथ में ए आएगा एक्स 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 और एक्स। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू एक्स क्यूब टू एक्स स्क्वायर इंटू टू। तो ये कितना आ गया, टू स्क्वायर एक्स। वैसे ये टू स्क्वायर एक्स क्यूब टू स्क्वायर एक्स क्यूब टू स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे ही चलता जाएगा। देखो ए पावर फोर में यहाँ पे टू का क्यूब आएगा, टू का क्यूब एक्स पावर फोर टू एक्स पावर फोर। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, गिवन क्या है, देखो ये इसका वैल्यू निकालना है ना, ए का ए स्क्वायर का इनका वैल्यू पुट करते जाते हैं। आई का वैल्यू तो अपने पास में वन जीरो जीरो होता है, वन जीरो जीरो वन ए का आई का वैल्यू। ए का वैल्यू कितना है, एक्स 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 और एक्स फिर ए स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, तो वन अपॉन टू फैक्टोरियल और ए स्क्वायर कितना आया, टू इंटू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर फिर कितना आएगा, ए क्यूब आएगा ना, ए क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल टू स्क्वायर एक्स क्यूब टू स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे चलता है। इसको सम करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर दो, सेकंड को सेकंड में ऐड कर दो, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट क्या आएगा, वन प्लस एक्स, देखो ये और ये अलग अलग आएंगे, तो बस इन दो को चेक करना है अपने को। इसने भी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स जी एक्स। तो एफ एक्स तो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट सभी फर्स्ट एलिमेंट का सम आएगा, और जी एक्स क्या है, या तो थर्ड निकाल लो या फिर सेकंड निकाल लो। तो एफ एक्स क्या है अपने पास में, वन प्लस एक्स प्लस वन बाई टू फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल टू स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे चलता जाएगा। देखो यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू एक्स का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी टू एक्स का होल क्यूब और ये टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, तो वन बाई टू आ गया और ये वन प्लस इसको टू यहाँ पे टू आएगा तो इसको वन प्लस वन लिख देता हूँ प्लस टू एक्स और ये क्या बन गया, टू एक्स का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस टू एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल ऐसे चलता जाएगा। अब ये बेसिकली देखो क्या है, ई की पावर एक्स वाला फॉर्म है लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह कितना है, टू एक्स। तो ये कितना हो गया, वन बाई टू वन प्लस ई की पावर टू एक्स एफ एक्स। और वैसे आप जी एक्स कैलकुलेट करना चाहोगे, सेकंड का सम करोगे तो जी एक्स का वैल्यू कितना आएगा अपने पास में, ऐसे ही आ जाएगा वो भी, माइनस वन प्लस ई की पावर टू एक्स। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है इसमें, ये तो अपना एफ एक्स और जी एक्स आ गया,
अभी कैलकुलेट करना है अपने को इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स। जी एक्स क्या है अपना ई की पावर 2x माइनस 1 और ई की पावर 2x प्लस 1, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स कितना आ गया, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, ये आ गया ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को डी एक्स के साथ। कुछ डिलीट कर देते इधर से ये वाला, देखो वहां से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, e की पावर x ले लेता हूँ या फिर e की पावर x से डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो क्या आएगा e की पावर 2x अपॉन x, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन dx। देखो इसको t मानूंगा तो ये पक्का dt बन गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में log ऑफ t e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो इसने क्या पूछा आपने, इसका वैल्यू पूछा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है और अपने को इंटीग्रेशन किसने किसका करना है, एफ ओ जी मतलब कंपोजिट फंक्शन चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ओ जी, एफ ओ जी एफ के अंदर जी रख पुट करना है ई की पावर एक्स माइनस वन डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करना है और इन्हीं की फॉर्म में लेके आना है रूट ई की पावर एक्स माइनस वन, एफ ओ जी यही है इसी की फॉर्म्स में लेके आना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस अंदर वाले को टी मान लेंगे ई की पावर एक्स माइनस वन, इसको टी की जगह टी स्क्वायर एज्यूम कर लो क्योंकि स्क्वायर भी रूट भी हट जाएगा उससे, ई की पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू टू टाइम टी डी टी। अब देखो e की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, 1 उधर लेके t स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड कर दूं तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब इसके अंदर रख दो ये वाले वैल्यू, इसका वैल्यू तो देखो t आएगा और साथ में कितना है 2t, 2t है तो 2 बाहर रख लो, t t मिलके t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो प्लस वन कर देता हूँ माइनस वन कर देता हूँ, इसमें डिवाइड करूंगा तो पहले तो आ जाएगा वन और माइनस, तो क्या आ गया अपने पास में टू इंटीग्रेशन वन माइनस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी, तो क्या बन गया अपने पास में टू तो एज इट इज बाहर है और फिर किसका इंटीग्रेशन आएगा वन का, क्या होगा टी और माइनस टेन इनवर्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसने पूछा ए प्लस एफ ओ जी, एफ ओ जी ये टी रूट टू टाइम टी का वैल्यू रख दो ई की पावर एक्स माइनस वन और माइनस टू टेन इनवर्स रूट ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट, एफ ओ जी यही है देखो ई की पावर एक्स माइनस वन का रूट एफ ओ जी, एफ ओ जी ए और बी क्या है, ए तो है इसका एफ ओ जी का कॉन्स्टेंट टू कॉफिशेंट टू और बी क्या है टेन इनवर्स वाले का कॉफिशेंट, तो ये माइनस टू और टू ए और बी ये आ गए, इनका समेशन पूछा है टू माइनस टू कितना आ गया जीरो, कौन सा ऑप्शन सही होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट अपन चलते सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या है पांच इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें एक डिटरमिनेंट गिवन है अपने को, इसका इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, चेक करो देखे कैसे करेंगे इसको, देखो इसमें टू एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर सम करके माइनस कर दो तो टू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें देखो थ्री एक्स एक्स प्लस टू एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3x है 2x प्लस एक्स, तो बेसिकली करके आ रहा हूँ मैं R1 R2 में से क्या कर रहा हूँ R1 प्लस R3 कर देता हूँ, ठीक है देखो इसमें से इसको सम करके ऐड माइनस करूँगा 2x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया x प्लस 2x 3x इसमें से माइनस हो गया और इसको ऐड करूँगा माइनस 1 माइनस 3 तो सेकंड रो में क्या आएगा माइनस 4 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो पहले तो 2x प्लस x 3x और 1 माइनस 1 जीरो, तो ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या आ गया जीरो, इसमें से देखो माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स प्लस टू एक्स थ्री एक्स थ्री एक्स कैंसिल माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री और ये माइनस करूँगा तो ये भी जीरो, तो बेसिकली रो टू के अंदर दोनों एलिमेंट क्या आ रहे हैं जीरो, बाकी दोनों ये वाले सेम आए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे इसके अलॉन्ग ओपन कर दे, इनके साथ में तो जीरो जीरो आ जाएगा बट इसके साथ में ये वाला और ये वाला क्या आएंगे माइनस फोर के साथ में
प्लस माइनस, तो एक माइनस बाहर हो रहा ना चाहिए इसके, ये वाला x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री, टू एक्स माइनस वन और टू एक्स माइनस वन। देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो ये तो कॉमन बाहर आ जाएगा, x प्लस वन माइनस एक्स माइनस थ्री, तो कितना आ गया फोर, और फोर बाहर है तो कितना हो गया सिक्सटीन इंटू टू एक्स माइनस वन, इसका मतलब कितना आ गया थर्टी टू एक्स माइनस सिक्सटीन ए प्लस बी। ए और बी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू 32 और बी का वैल्यू माइनस सिक्सटीन, दोनों को ऐड करोगे 2 से मल्टीप्लाई करके तो 32 माइनस 2 इंटू सिक्सटीन, तो 32 माइनस 32 आंसर कितना आ जाएगा जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फिर से एक डिटरमिनेंट गिवन है और अपने को कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी सिग्मा की, और एक कंडीशन अपने को, कंडीशन क्या, वैल्यू पता है या रिलेशन गिवन है एफ ऑफ टू इक्वल टू सिक्स। देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कॉस के अंदर, यहाँ पे भी एंगल सेम है, यहाँ पे भी साइन के अंदर सेम है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, और ये थर्ड रो के अंदर पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो रो वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, दोनों रो में से सेम हो गई, तो मतलब रो वन वाला एलिमेंट भी फर्स्ट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगा वो जीरो हो जाएगा, और फिर क्या होगा सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस कॉस, तो फिर से रो वन और रो टू इक्वल हो गई तो वो वाला डिटरमिनेंट भी जीरो, और फिर थर्ड रो का होगा तो तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे कांस्टेंट का डिफरेंसेस। तो देखा जाए तो एफ डेस एक्स क्या आएगा अपने पास में, जीरो के इक्वल आ जाएगा। एफ डेस एक्स जीरो है तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा कुछ ना कुछ, और इसने क्या गिवन है एफ ओ टू क्या है सिक्स के इक्वल, तो वो कॉन्स्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा सिक्स के इक्वल। अब इसने पूछा है सिग्मा एफ आर, एफ आर कितना है सिक्स, सिक्स को बाहर ले लो बच गया कितना वन, आर इक्वल टू वन टू 25 तक समेशन करना है वन का, कितना आएगा 25, और ये वन अपॉन फाइव पहले से दे रखा है इसने, तो सिक्स अपॉन फाइव, और ये समेशन कितना आ जाएगा वन को 25 टाइम्स ऐड करेंगे तो 25, फाइव फाइव कैंसिल, सिक्स इंटू फाइव 30, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा 30 आंसर आ जाएगा इसका सेकेंड इंटीजर। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो फिर से एक डिटरमिनेंट गिवन है अपने को एफ ओफ एक्स प्लस वन, एफ ओफ एक्स प्लस एट, एफ ओफ एक्स प्लस वन, और सेकेंड रो थर्ड रो में भी कुछ ना कुछ गिवन है। एक चीज़ और गिवन है पीरियोडिक विथ पीरियड सेवन, सेवन पीरियड, इसका मतलब एफ ओफ एक्स प्लस सेवन किसके इक्वल होगा एफ ओफ एक्स के, ठीक है, और एक्स की जगह एक्स प्लस वन डाल दूँ तो एफ ओफ एक्स प्लस एट किसके इक्वल होगा एफ ओफ एक्स प्लस वन के इक्वल। देखो सेकेंड का एलिमेंट इसका x प्लस एट है तो बेसिकली किसके इक्वल है एफ ओफ एक्स प्लस वन के, पूरी रो में से एफ ओफ एक्स प्लस वन बाहर आ जाएगा और क्या बन गया वन वन वन, वन टू माइनस फाइव टू थ्री लेमडा इक्वल टू जीरो के इक्वल। अपने को लेमडा पे कंडीशन निकालनी है तो उसको तो भूल जाओ एक बार के लिए, टू लेमडा प्लस 50 फिर वन के साथ में लेमडा प्लस 10 तो माइनस लेमडा प्लस 10 फिर वन के साथ में थ्री माइनस फोर तो माइनस का वन इक्वल टू जीरो। देखो लेमडा के साथ में टू लेमडा प्लस लेमडा तो लेमडा आ गया 15 माइनस 10 और माइनस वन तो प्लस का फोर इक्वल टू जीरो, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में माइनस का फोर, और मॉड लेमडा निकालेंगे तो प्लस का फोर, तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में फोर। नेक्स्ट चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स गिवन है ए और बी का वैल्यू क्या है अपने पास में एडजोइंट ऑफ ए, बी क्या है इसी मैट्रिक्स का एडजोइंट है और सी का वैल्यू क्या है फाइव टाइम्स ऑफ ए, तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है एडजोइंट ऑफ बी अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ सी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजोइंट ऑफ बी। अब एडजोइंट ऑफ बी क्या होगा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स बी के डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एन माइनस वन होता है तो थ्री माइनस वन कितना हो गया टू, तो सी क्या है फाइव टाइम्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब देखो बी किसके इक्वल है एडजोइंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के, और ये स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है तो फाइव का क्यूब, फाइव की पावर एन होगा, एन का वैल्यू कितना है थ्री, और डिटरमिनेंट ऑफ ए ऊपर कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर फोर और नीचे डिटरमिनेंट ऑफ ए
तो ये कितना हो गया 4/1, तो कितना हो गया 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लो, 2, ये तो 0 हो गया, -3, माइनस माइनस प्लस, तो 4, फिर -1 के साथ में 0 और माइनस प्लस 6, तो प्लस 6 और फिर क्या आ जाएगा माइनस का 4, ये आएगा 2, सॉरी -3 आएगा ना, प्लस कर 9 - 4 कितना आ गया ये 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू भी 5 है, 5 का क्यूब / 5 का क्यूब, तो कितना आ जाएगा 1। तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है जेई मेन वाले का और सेक्शन बी का भी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है ए मैट्रिक्स, और दूसरा क्या है एक फंक्शन है फाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1+x, अपने को कैलकुलेट क्या करना है फाई ऑफ ए का वैल्यू कैलकुलेट, फाई ऑफ ए क्या आ जाएगा इक्वल टू आई प्लस ए और आई माइनस ए का इनवर्स। तो बेसिकली अपने को आई प्लस ए और आई माइनस ए कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। आई प्लस ए क्या आएगा देखो, आई के अंदर ए ऐड कर रहा हूँ, 1 में 1 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, और 0 में 2 ऐड करूँगा तो फिर से 2, फिर 0 में 1 ऐड करूँगा तो 1 और 1 में 1 ऐड करूँगा तो 2। तो आई प्लस ए का तो वैल्यू ये आ रहा है, वैसे ही आई माइनस ए क्या आ जाएगा, तो ए माइनस करना है अपने को आई में से, ये वाला माइनस करना है 1 इसमें से 1 0 0, ये आई है इसमें से 1 - 1 0 और 0 - 2 तो -2 और 0 - 1 - 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - 1 0 और इसका इनवर्स और फाइंड आउट करना है। देखो आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा ना, एडजॉइंट वगैरह से निकाल लेंगे अपन इनवर्स, 0 - - प्लस तो -2 आ गया, आई माइनस ए का इनवर्स क्या आएगा पहले तो 1/-2 और फिर इन एलिमेंट को क्या कर देंगे, ये तो एज इट इज रिवर्स होते हैं ना, बट यहाँ पे तो 0 0 ऐसे हैं तो रिवर्स करने का कोई फायदा नहीं है, तो -2 - 1 तो ये क्या आ जाएंगे 1 और 2, तो क्या आ जाएगा आई माइनस ए 0 - 1/2 - 1 और 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये क्या है आई माइनस ए का इनवर्स है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आई प्लस ए से, तो 2 - 1 - 2 - 0 - 1 - 1/2 और 0, रो टू कॉलम कितना आ गया -1, फिर से रो टू कॉलम तो -2 - 1 और ये कितना आ जाएगा -1, देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा 1 2 1 1, क्या है माइनस ऑफ ए, इसने बोला है माइनस लेमडा टाइम्स ऑफ ए है, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से देखा जाए तो कितना है 1, तो आंसर क्या हो गया इसका 1। और इसके साथ में अपना जेई मेन का पार्ट भी खत्म हो जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट अपना रहेगा जेई एडवांस सेक्शन, इसमें क्या है फर्स्ट क्वेश्चन या फिर सेक्शन ए में एक पैसेज है और 2 क्वेश्चन है उसमें। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो पैसेज पढ़ लेते पहले। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ए लेस देन 4 सच दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या है नॉट इक्वल टू 0, और एक कंडीशन है बी मैट्रिक्स जो किसके इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। देखो बेसिकली अपने को पता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए का ऑर्डर कैसा है इवन, इवन ऑर्डर है इसका, और इसने बोला है कि 4 से कम ऑर्डर है, तो 4 से कम में ऑर्डर में इवन क्या आता है 2, 2 इवन आता है, तो ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए 2, तो ए का ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ ए 2 क्रॉस 2, यहाँ से तो इतनी जानकारी मिली। अब इसने पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 3 है, ट्रेस पूछिए किसकी एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो पहले तो ए बी पता लगाए क्या है ए बी, ए तो अपने को पता है सिंपल ए है, बी का वैल्यू क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, तो क्या आ गया ए इंटू ए इनवर्स आई, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मैट्रिक्स। अब क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा ए बी की जगह क्या रख दे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस अंदर वाले का पूरे का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और इसका डिटर्मिनेंट और इसी का इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का इनवर्स, दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई स्क्वायर आएगा ना, क्यों, क्योंकि ए की पावर, ए किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो आई का इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई का इनवर्स आई होता है, तो आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कि बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए बी किसके इक्वल आ गया अपने पास में, आई अपॉन आई, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब देखो डायगोनल एलिमेंट का मतलब होता है ना ट्रेस, सम, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सम का मतलब क्या होता है, ट्रेस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ट्रेस क्या आ जाएगी अपने पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो कितना हो गया, टू टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और उसका वैल्यू कितना है, डेट ए का वैल्यू 3, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट वन करेक्ट। अब चलो इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैराग्राफ का, मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस ये कोई एडजॉइंट दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है अपने को, अपन ए बी का वैल्यू क्या निकाला था, पहले तो एक याद होगा आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये कैलकुलेट किया था। अब देखो इसके अंदर चलो एडजॉइंट ऑफ ए, देखो बी स्क्वायर, और ये ए इनवर्स बी इनवर्स है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूं, बी इंटू ए का इनवर्स इंटू ए, ए बी, ए बी का बी ए चाहिए ना अपने को, ए बी नहीं चाहिए, बी ए का वैल्यू देखो, बी इंटू ए, बी क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए, तो बेसिकली बी और ए बी भी दोनों इक्वली आ रहे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो इंटू आई, बी स्क्वायर, और आई का इनवर्स, देखो इसका इनवर्स भी लेना है अपने को, तो आई का इनवर्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो अपने पास में अभी है नहीं, इसने ए की फॉर्म में पूछा है, तो वो अपन ऐसे लिख लेते हैं, आई का इनवर्स आई आएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, अब देखो क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ बी स्क्वायर ए, तो बी इंटू बी ए ऐसे लिख दे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी ए का वैल्यू क्या है, सेम ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ बी, ये पूरा का पूरा एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, बी के एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए इनवर्स इनटू B इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B, और B इनवर्स क्या है अपने पास में, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स, और B डिटर्मिनेंट ऑफ B किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ, अब आगे देखो इसमें क्या इसका वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और ए इनवर्स, और उसका फिर से इनवर्स लेना, यही होगा, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपने पास में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स, और उसका फिर से डिटर्मिनेंट लेना, यहाँ पे यही तो है, डिटर्मिनेंट ही तो है, ये क्या आ गया, ए इनवर्स का इनवर्स वो क्या होता है, ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, और वो क्या होता है, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये चारों के चारों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए, कौन से ऑप्शन में, ए,
ये जितनी भी रामायण महाभारत की, उसमें क्या आ गया अपने पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसमें। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी के अंदर, ये क्या है, मोर देन वन टाइप क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए, तो इन दोनों से अपने पास में क्या आ गया, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए, और बी स्क्वायर का वैल्यू बी के इक्वल। अपने को चेक करना है इन दोनों में से एक सही होगा और एक इसमें से चेक कर लेंगे। तो ए पावर फाइव माइनस बी पावर फाइव, देखो ए पावर फाइव को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर, और ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए, तो ए का स्क्वायर इंटू ए, और माइनस बी का स्क्वायर इंटू बी, और फिर ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन, ए, और बी स्क्वायर को बी, ए इंटू ए, फिर से ए स्क्वायर, तो इसको क्या लिख देंगे, ए माइनस बी, और ऊपर पावर कितनी है, थ्री। तो ये पहला ऑप्शन तो सही हो गया इसका, पहला सही हो गया तो सेकंड ऑटोमेटिकली गलत हो गया, तो सेकंड गलत हो गया। फिर आओ आइडेंपोटेंट और निलपोटेंट चेक करना, इसका मतलब इनके स्क्वायर पे जाना है अपने को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, चलते ए माइनस बी का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आएगा, माइनस ए बी माइनस बी ए, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के, बी स्क्वायर का बी के, माइनस ए बी, ए बी का वैल्यू किसके इक्वल है, बी के, और बी ए का वैल्यू ए के। तो ये क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है, ये नील पोटेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स आ जाए तो मतलब क्या हो जाता है, नील पोटेंट। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, चार स्टेटमेंट गिवन है, कौन सा करेक्ट है वो चेक करना है। फर्स्ट में एक डिटरमिनेंट है, क्या है, एल एन एक्स एल एन वाई एल एन जेड, और इसमें एल एन टू एल एन टू वाई एल एन टू जेड ऐसे कुछ है। देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा ना मैं, आर टू माइनस आर थ्री, तो क्या आएगा, लॉग टू प्लस लॉग एक्स है इसमें, तो लॉग टू, और ये लॉग एक्स माइनस होगा तो लॉग टू बच जाएगा, यहाँ पे भी लॉग टू, यहाँ पे भी लॉग टू, यहाँ पे लॉग थ्री लॉग थ्री। तो क्या किया अपन ने, R2 में से R1 माइनस कर दिया और R3 में से R1 माइनस, तो यहां पे ये तो सेम रहेगी, इसमें log 2 log 2 log 2, यहां पे log 3 log 3 log 3, log 2 बाहर आएगा log 3 बाहर आ जाएगा, तो 1 1 1 1 1 1, तो रो 2 और रो 3 क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब ये वाले डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो, और ये बोल रहा है ln 2 16 एक्स वाई जेड आएगा, क्या हो गया ये वाला, रॉन्ग। सेकंड पे चलो, इसमें द रूट ऑफ आर इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा म्यू न्यू ए बी, देखो ये 4x4 के मैट्रिक्स है ना, सॉरी डिटरमिनेंट है, 4x4 का डिटरमिनेंट है, तो मैं क्या करता हूँ इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये देखो तीनों एलिमेंट जीरो बना सकते हैं अपन, कैसे, इसमें से ये माइनस कर दे, इसमें से ये वाला माइनस कर दे, मतलब आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन, और आर फोर माइनस आर वन, ये तीनों के तीनों क्या बन गए, जीरो। तो इसके साथ में इसके अलोंग ओपन करेंगे तो इसके साथ में कुछ नहीं है, इसके साथ में भी वन के साथ में आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के साथ में क्या आएगा, इसमें से एक्स माइनस कर दो, लैम्डा माइनस एक्स, लैम्डा माइनस एक्स, लैम्डा माइनस एक्स, फिर क्या है, एक्स माइनस ए, म्यू माइनस ए, म्यू माइनस जीरो, एक्स माइनस बी और न्यू माइनस बी इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं अपन, चेक लैम्डा माइनस एक्स कॉमन आ रहा है एक, तो देखो तो एक्स माइनस लैम्डा लिख दूं, वो माइनस इसमें गायब हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस लैम्डा, क्या बच गया, वन वन वन, एक्स माइनस ए, म्यू माइनस ए, म्यू माइनस ए, फिर क्या है, जीरो, एक्स माइनस बी और न्यू माइनस बी इक्वल टू जीरो। देखो अब ये देखो ये वाले दोनों सेम है, तो मैं आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन करूँगा, तो ये दोनों जीरो हो गए, ये दोनों जीरो हो गए, तो एक्स माइनस लैम्डा तो बाहर है, वन जीरो जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स माइनस ए, और यहाँ पे
म्यू माइनस एक्स और म्यू माइनस एक्स, ये तो जीरो है ही, एक्स माइनस बी और न्यू माइनस बी इक्वल टू जीरो। देखो इसके साथ में क्या आएगा, म्यू माइनस एक्स और म्यू माइनस एक्स और एक्स माइनस बी, तो म्यू माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स माइनस लैम्डा फिर म्यू माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा, टू बाई टू की डिटर्मिनेंट बचेगा वन वन एक्स माइनस बी और न्यू माइनस बी। देखो इसमें से इसको माइनस करूँगा, न्यू माइनस बी माइनस एक्स माइनस बी, तो न्यू माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, न्यू माइनस एक्स, तीनों के प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स माइनस, तो यहाँ से देखे तो एक्स का वैल्यू क्या है, या तो लैम्डा या म्यू या न्यू, और ये क्या बोल रहा है, द रूट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लैम्डा न्यू म्यू ए बी, तो नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, तो ये वाला भी आर इंडिपेंडेंट, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया। थर्ड पे चलो, इसमें थर्ड क्या है, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए स्केलन ट्राइंगल देन वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो मैं तीनों रो को या तीनों कॉलम को ऐड कर दूं तो सब में एक लाइन या एक कॉलम में क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी, मैंने क्या किया, सी वन में सी टू और सी थ्री को ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, वन 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 बी सी ए सी ए बी, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, सी बी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, और सेकंड में बी के साथ में क्या आएगा, इसके इसी के अलोंग ओपन कर देते, माइनस माइनस में क्या आएगा, वन बी स्क्वायर माइनस ए सी, और इसके साथ में प्लस के साथ में बी ए बी माइनस सी स्क्वायर। देखो बेसिकली क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसके साथ में ये अपना ए प्लस बी प्लस सी और आ रहा है। अब देखो इसको मैं माइनस कॉमन ले लूँ और वन टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और वन से टू से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक तो ऐसा बन जाएगा, और एक बी माइनस सी का होल स्क्वायर और ए सी माइनस ए का। अब देखो ट्राइंगल कैसा है, स्केलन, इसका मतलब ए बी और सी तीनों में से कोई भी किसी का इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर क्वान्टिटी कोई भी जीरो नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी साइड का सम भी पॉजिटिव होना है, टू भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल कैसा आ गया, ये नेगेटिव आ गया। इसने क्या बोला है, ए बी सी आर साइड ऑफ स्केलन ट्राइंगल देन इज नेगेटिव, तो ये बिल्कुल सही बात है इसकी। देखो अब देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में अपने को एफ एक्स दिया हुआ और एफ एन कौन सा डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव निकालना है और किस पे, x इक्वल टू वन पे निकालना है, तो पहले तो सबसे पहले f डेस x ही निकाल लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव f डेस x क्या आएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन x और n x की पावर n माइनस। देखो इसमें और इसमें इतना ही फर्क है कि इसमें ऑलरेडी ये इसका डेरिवेटिव है, ये डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया हुआ है, ये f डेस है और ये एफ एक्स है, तो ये एक स्टेप इससे पीछे चल रहा है, तो जो भी माइनस प्लस का फर्क आएगा कहीं पे तो अपन उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेंगे। बाकी देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो जीरो जीरो हो जाएंगे, वो जीरो, इसका करोगे तो भी जीरो, क्योंकि सारे के सारे कांस्टेंट है, तो सेकंड थर्ड लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है, वन माइनस वन अपॉन एन और माइनस वन की पावर एन वन ए और ए स्क्वायर। चल अब देखते हैं इसमें डबल डिफरेंशिएशन, एफ डबल डेस एक्स क्या आएगा, इसी का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, टू प्लस
प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस एक्स क्यूब और यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये एन एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस टू ऐसा कुछ आएगा। बाकी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे सेम आने हैं। एफ डबल डैश देख लिए, एफ ट्रिपल डैश देखो, इससे क्या है थोड़ा सा जनरलाइज करने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी कि एन तक तो जा नहीं पाएंगे वैसे भी, तो जनरलाइज ही करना पड़ेगा। माइनस टू इंटू थ्री अपॉन एक्स पावर फोर ये आएगा और माइनस वन अपॉन एक्स का माइनस टू अपॉन माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और यहाँ पे एन एन माइनस वन एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस ऐसा कुछ आएगा। बाकी दोनों रो उसी की तरह सेम आ जाएगी एड जी। अब देखो अपने को निकालना है एफ एन कहाँ पे, वन पे एक्स का वैल्यू, तो एक्स जहाँ पे भी होगा उसको अपन उससे रिप्लेस करें। देखो फर्स्ट एलिमेंट पे क्या आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट उस पे एफ डेस में माइनस आ रहा है, सेकंड में प्लस, थर्ड में माइनस, तो मतलब माइनस वन की पावर एन। फर्स्ट रख एन का वैल्यू वन रखेंगे नेगेटिव और सेकंड टू रखेंगे तो पॉजिटिव, तो उसी पैटर्न में फॉलो हो गया नेगेटिव साइन। तो फिर देखो उसमें वन है, इसमें वन इंटू टू और इसमें वन इंटू थ्री, वन इंटू टू इंटू थ्री, तो बेसिकली क्या आ रहा है, एन फैक्टोरियल के इक्वल आ रहा है। वन रखेंगे तो वन फैक्टोरियल, टू रखेंगे तो वन इंटू टू टू फैक्टोरियल, थ्री रखेंगे तो वन टू थ्री, तो थ्री फैक्टोरियल। फिर सेकंड में देखो सेकंड एलिमेंट इससे एक पीछे चल रहा है, तो मतलब माइनस वन की पावर भी माइनस वन एक कम होगी और फैक्टोरियल वाले में भी एन माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन की पावर एन माइनस वन और एन माइनस वन का फैक्टोरियल। और उसमें क्या होगा, देखो थर्ड में पावर एन माइनस थ्री है, सेकंड में एन माइनस टू और उसमें एन माइनस वन, तो n करेंगे तो कितना हो जाएगा, n माइनस एन होगी क्या होता है जीरो, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा n फैक्टोरियल हो जाएगा। और बाकी सेकंड उसमें गिवन अपने को वही लिखना है, और x मैंने यहाँ पे वन रख दिया तो वो वहाँ से हट गया। अब देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से माइनस वन की पावर n कॉमन ले लेता हूँ और क्या ले लेता हूँ n फैक्टोरियल, क्या बचेगा यहाँ पे वन, और यहाँ पे n फैक्टोरियल लिया है तो n से मल्टीप्लाई हो गया और माइनस वन भी बच गया एक, और यहाँ पे माइनस वन की पावर एन, एन फैक्टोरियल तो चला गया, माइनस वन की पावर एन भी चला गया, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा माइनस वन की पावर एन। अब देखो ये रो वन और दूसरी वाली क्या है रो टू, इसका मतलब रो वन और रो टू इक्वल है, तो एफ एन एनथ डेरिवेटिव कहाँ पे वन पे क्या आ गया जीरो के इक्वल। कौन सा ऑप्शन, ये भी सही हो गया ऑप्शन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए पूछ रहा है, इसका वैल्यू ही जीरो है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गया, तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, तो थर्ड फोर्थ दो ऑप्शन इसमें सही। अब नेक्स्ट चलो इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड पे देखो क्या है, लेट ए देन कुछ वैल्यूज अपने को फाइंड आउट करनी है, ए स्क्वायर माइनस फोर ए माइनस फाइव आई थ्री ये सब फाइंड आउट करना है। चलो ए स्क्वायर चाहिए पहले तो अपने को, वन टू 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 वन टू 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 वन, और इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, वन टू टू वन टू 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 वन ए स्क्वायर का वैल्यू, तो क्या आना चाहिए रो टू कॉलम, वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर और टू इंटू टू फोर, वन प्लस फोर प्लस फोर, तो कितना आ गया नाइन। वैसे यहाँ देखोगे तो एट आएगा, एट आएगा, एट नाइन एट 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 नाइन, चेक कर लो देखो, वन इंटू टू टू, टू इंटू वन टू, टू टू फोर और फोर इंटू फोर प्लस फोर तो एट, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो ये आ गया। अब फोर ए और माइनस फाइव आई थ्री ये और चेक करना है, इसमें से नाइन एट 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 नाइन एट 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 नाइन, फोर इंटू ए, ए क्या है वन टू 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 वन टू 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 वन, माइनस फाइव इंटू आई थ्री, आई थ्री क्या होता है जीरो जीरो वन जीरो 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 वन। अब देखो इसमें से इसको माइनस करना है, ये तो फोर हो गया और ये फाइव, फोर और फाइव मिलके कितना हो गया जीरो, फोर और फाइव मिलके नाइन, नाइन माइनस नाइन तो जीरो, तो ये एलिमेंट क्या आ गया अपना जीरो। फिर एट और यहाँ पे फोर टू एट और यहाँ पे तो जीरो आना है, तो ये भी जीरो,
ऐसे सारे चेक करोगे तो ये क्या आ जाएंगे, जीरो। तो बेसिकली अपने पास में ये क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो ये वाला रिलेशन सही हो गया, तो फर्स्ट अपना ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं अपन बाकी पे। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है अपने पास में, ये और चेक कर लेते लगे आते इसमें। ए स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास में 9888898889। इसका डिटरमिनेंट चेक करोगे, ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट क्या आएगा, नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव आएगा, इसका मतलब ये कैसी है, इन्वर्टिव। और ऐसे ए क्यूब भी चेक कर लेना, ए क्यूब निकाल के, तो ये भी आपका इन्वर्टिबल होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बचता है अपने पास में सेकंड वाला ऑप्शन, इसको चेक करना है। देखो सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है ए इनवर्स इक्वल टू, तो अपने पास में एक रिलेशन ये है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4a + 5 times i3। ए इनवर्स निकालना है ना, मैं दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, ए ठीक है 4a inverse into a equal to plus 5a inverse into i3। देखो ये क्या आ गया, a के इक्वल, क्योंकि ये i बन जाएगा, i into a, a plus equal to 4i3 और plus 5a inverse। तो a inverse का वैल्यू क्या आ गया, a minus 4i3 upon 5। तो ये भी सही, ये भी सही, ये रॉन्ग और ये सही। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन गिवन अपने को और यूनिक सॉल्यूशन, ये सब पता करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो अपने को डिटर्मिनेंट चेक करना है, कौन सा, डेल्टा। डेल्टा क्या आएगा इसमें, 132, फिर 1 λ 2 और 1 3 2। देखो डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 तो हमेशा जीरो रहेगा, देखो R1 और R3 जीरो है, इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया, डेल्टा इसका जीरो। अगर डेल्टा जीरो है तो क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन तो आएगा नहीं, डेल्टा नॉन जीरो तभी तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तो ये वाला तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। फिर क्या बोल रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 4, म्यू इक्वल टू 0। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आएंगे, जब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 ये सब भी 0 हो, लैम्डा वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 6 रख दिया तो, देखो 6 रख देंगे तो ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, सेम प्लेन हो गए, तो सेम प्लेन हो गए, और ये सेम है नहीं, पैरेलल भी नहीं है, तो पक्का कहीं ना कहीं कट करेगा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगी। ये दोनों तो इनफाइनाइट पे कट कर रहे हैं, तो दो प्लेन, ये किसी इस प्लेन को कहीं ना कहीं कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। फिर इसने बोला नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 5 एंड म्यू इक्वल टू 7। देखो म्यू इक्वल टू 7 हो गया, मतलब ये और ये प्लेन कैसे हो गए, पैरेलल प्लेन हो गए। पैरेलल प्लेन में क्या हो गया, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं आएगा, दो का इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तीसरे के साथ में हो या ना हो उससे कोई लेना देना, क्योंकि तीनों का अपने को पूरे के पूरे सिस्टम का देखना है, तो ये नो सॉल्यूशन वाला भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ में पूछा है नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इक्वल टू 3। अब लैम्डा इक्वल टू 3 रख दिया, तो देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो क्या हो गया, x + 3y + 2z और फिर क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों प्लेन डिफरेंट हो गए, पैरेलल प्लेन हो गए, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो म्यू को कुछ भी रखो तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसमें, तो ये भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके साथ में ये फोर्थ वाला भी अपना कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। अब कुछ स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट, उनमें से अपने को चेक करना है कि कौन कौन से ट्रू है। एडजॉइंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये तो सही है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लो तो क्या आना है, वो भी सिमेट्रिक ही आना है। एडजॉइंट ऑफ ए यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट मैट्रिक्स, तो ये भी सही है, यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या आएगा भाई, यूनिट ही आ जाएगा। देखो जैसे 1 0 0 है, यूनिट में 2 by 2 की ले लेते, ज़्यादा बड़ी क्यों लेनी, 1 0 0 1, इसका एडजॉइंट निकालोगे यही आ जाएगा वापस, तो ये भी क्या हो जाए,
यूनिट मैट्रिक्स, फिर ए इंटू एडजोइंट ऑफ ए इंटू एडजोइंट ऑफ ए, तो ये तो सेम ही है, क्या होता है इसके वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए सॉरी आई इसके इक्वल होता है, तो ये भी सही है। फिर फोर्थ में पूछ रहा है एडजोइंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, तो चारों के चारों ऑप्शन इसके सही हो गए। क्लियर ये तो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर की, उस एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, कुछ डिस्टिंक्ट इंटीजर है 1 to 9 तक, 9 ही इसमें एलिमेंट हो सकते हैं 3x3 के मैट्रिक्स में, और सारे के सारे डिस्टिंक्ट है। द मैट्रिक्स इज फॉर्म सो दैट सम ऑफ नंबर इज इन एवरी रो कॉलम एंड डायगोनल इज ए मल्टीपल ऑफ 9, 9 के मल्टीपल होने चाहिए, 9 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं 9, 18, 27, यही सब हो सकते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 9 दैट हैव अ सम ऑफ 9 or 18 इज 10, अपने को ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करने हैं जिनका सम या तो 9 हो या फिर 18, तो चलो चेक करते हैं। 1 के साथ में क्या क्या आ सकता है, 1, 2, 1, 2, 9 बनाएंगे तो कितना बनेगा 6, 6 और 2, 8 और 8, 9, तो 9 सम के लिए तो अपने पास में एक तो ये आ गए, फिर 1 के साथ में क्या हो सकता है 1, 3, तो ये कितने हुए 4, तो 5 वाला 9 बना देगा, 1, 4 के बाद में कितना आएगा 4 आएगा, तो डिस्टिंक्ट नहीं होगा। फिर 2 के साथ में देखो 2, 3, 5 हो गया और ये 4, तो इसके बाद में तो 9 के साथ में दूसरा तो बनेगा नहीं, 18 वाले में चेक कर, 18 में 1 के साथ में 1, 1, 7, 1, 8, 9 ये वाला बनेगा, फिर 2 के साथ में 2, 7, 9 ये वाला बनेगा, और कुछ भी बनेगा 2, 7 और 9, 2, 8 और 8 ये भी नहीं बनेगा, तो 3 के साथ में बनेगा फिर 3, 6 और 9 ये बनेगा, और 3 के साथ में क्या बनेगा 3, 7 और 8, फिर 3 के साथ में कुछ नहीं बनेगा, तो कितने हो गए टोटल अभी तक 6, 7, 7 हो गए, और कुछ भी हो सकता है 4 के साथ में चेक करते चलो 4, 5, 9 ये भी हो सकता है 4, 6 और 8 ये भी हो सकता है 4, 6, 8 फिर और कुछ भी हो सकता है 4 के साथ में, 4 के साथ में तो नहीं हो 4, 7 और 7 होगा फिर, तो 5 के साथ में क्या आएगा 5, 6 कितना होगा 11, 11 और 7, 18 तो इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं होगा, तो ये कितने हो गए 3, तो ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये क्या बोल रहा है 10 होने चाहिए, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। द एलिमेंट A22 मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 3, A22 कौन सा एलिमेंट होता है 22 ये वाला एलिमेंट होगा, ये देखो इस रो में भी आता है सॉरी इस कॉलम में भी आता है, इस रो में भी आता है, इस डायगोनल में भी, इस डायगोनल पे भी, तो ये चार जगह पे क्रॉस करेगा, तो ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो चार कॉम्बिनेशन में आता हो, देखो 6 वाला 1, 2, 3 और 4 6 आ रहे हैं, वैसे 3 भी दिख जाएगा आपको चार जगह, 1, 2, 3 और 4 वैसे 3, 6 और 9 ही ऐसे एलिमेंट है जो हर बार 4 times रिपीट हो रहे हैं, तो A22 क्या हो सकता है या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, ये बोल रहे हैं 3 का मल्टीपल, तो बिल्कुल ये भी सही है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 18, जो ट्रेस क्या होता है इस डायगोनल के अलोंग जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका सम होता है, सम मैक्सिमम किसी एक इनमें से कुछ एक रख देंगे अपन, तब जाके क्या होगा डायगोनल पे सम कितना आ जाएगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सम कितना आ सकता है 18, तो 18 वाला ये भी सही है। फिर इसने क्या बोला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज, जब 18 हो गया तो 9 कैसे हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये इंटीग्रेशन है अपना इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, dx अपॉन में a प्लस cos x, और इसका इंटीग्रेशन ये बता रहा है कि f ऑफ tan x बाई 2 के इक्वल है, तो f कैसा होगा ये वाला अपने को डिस्कशन करना है। f इज ए log फंक्शन फॉर a इक्वल टू 0, देखो log फंक्शन होगा a इक्वल टू 0 के, a इक्वल टू 0 हो गया तो dx अपॉन cos x हो गया,
कॉस एक्स क्या है, सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन सेक ऑफ एक्स डीएक्स, ये किसके इक्वल होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही होता है, प्लस कॉन्स्टेंट। और इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लॉग वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, ऐसा कुछ होता है। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन किसका है, टेन एक्स बाई टू का, तो ये बार वाला फंक्शन क्या है, लॉग, तो एफ क्या हो गया, लॉग फंक्शन, तो ये वाला करेक्ट हो गया। एफ इज ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर ए नेगेटिव, ए लेस देन वन बोल रहा है, ए लेस देन वन बोल रहा है, तो इसके लिए अपने को ए लेस देन वन बोल रहा है, तो ये लो इसके लिए डी एक्स अपॉन ए, और कॉस एक्स को अपने को करना है, तो ये वन तो है नहीं, वन होता तो वन माइनस या वन प्लस जो भी होता अपन कर लेते, तो कॉस एक्स को अपन टेन में कन्वर्ट कर देते, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, डी एक्स तो ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स अपॉन ए प्लस वन प्लस वन, तो ये आ जाएगा ए प्लस वन, तो आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और फिर ए माइनस वन इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब देखो टेन एक्स को टी माने अपन, यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कुछ ऐसा आएगा ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपो ऊपर आएगा डी टी, कैसा आएगा डी टी, कुछ कांस्टेंट आ सकते बाहर, उन पे अपने को चर्चा नहीं करनी, ए स्क्वायर या बी स्क्वायर मान लो, बी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है ना, ए क्या है वन से छोटा है मोड ए, तो ये वाला नेगेटिव आएगा बी स्क्वायर माइनस टी, इसका इंटीग्रेशन अपर करते हैं तो वो कैसा आता है, लॉग ए माइनस टी सॉरी बी माइनस टी अपॉन बी प्लस टी, और टी क्या है अपना टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ पे भी फंक्शन किसका बन रहा है, ये टेन एक्स बाई टू का बन रहा है, लेकिन बाहर कौन सा फंक्शन आ रहा है, लॉग, तो ये भी लॉग होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है इनवर्स, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना गलत, फर्स्ट सही है सेकेंड गलत है। थर्ड पे आ जाओ, एफ इज पॉलिनोमियल फॉर ए इक्वल टू वन, और थर्ड फोर्थ सेम ही तरीके से करने, क्योंकि दोनों में वैल्यू ए का वन है, वन प्लस कोस एक्स क्या होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये ऊपर जाएगा तो सॉरी टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ऊपर जाएगा तो टू वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होता है टेन एक्स बाई टू अपॉन वन बाई टू, तो ये वन बाई टू कैंसिल प्लस कॉन्स्टेंट। देखो टेन एक्स बाई टू फंक्शन चाहिए, तो ये क्या है लीनियर फंक्शन किसका, टेन एक्स बाई टू का, तो लीनियर फंक्शन कैसा होता है पॉलिनोमियल, तो ये थर्ड सही हो गया और फोर्थ गलत हो गया, तो इसके साथ में ये अपने सेवन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है एट्थ नंबर, एट्थ नंबर में फिर से अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, कैसा इंटीग्रेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो फर्स्ट देखो पहले तो ये गिवन है अपने को एक्स स्क्वायर, और फिर ये किसी का डिफ्रेंशिएशन साथ में डी एक्स, देखो डिफ्रेंशिएशन गिवन हो तो अपन क्या लगा लेते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन वाई पार्ट, है ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यही आ जाएगा, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, इसको तो मान लेते हैं अपन सेकेंड फंक्शन और इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, क्या आएगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर और सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये बड़ा सा टर्म आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फाइव प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये आ जाएगा। अब देखो माइनस क्या आता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना है टू एक्स, और सेम यही वाला टर्म फिर से वापस आ जाएगा, तो लिख दो ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर सेवन प्लस टू एक्स पावर फाइव प्लस टू एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये आएगा। देखो x यहाँ से कॉमन आएगा कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, इस पे एक बार भूल जाते हैं इसको, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते, टू बाहर आ गया माइनस टू हो गया,
माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, एक्स पावर सिक्स, फिर टू एक्स पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, क्या हुआ प्लस फाइव। अब देखो ये फाइव कैसा है अपने पास में, वन प्लस फोर लिख दे इसको, वन प्लस फोर लिखते क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा क्या बन जाएगा अपने पास में, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन गया अपने पास में, माइनस टू, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस फोर। देखो ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि ऊपर कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन गिवन है, और इधर भी देखो क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स, तो कुछ ना कुछ सम में बनेगा ना यहाँ पे, तो ये यहाँ से, अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऊपर डिफरेंशिएशन, तो ये क्या आ गया, माइनस टू टेन इनवर्स, और वन बाई टू आएगा तो ये इससे कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट। और ये वाला क्या है, उधर वाला एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक एक्स यहाँ से नीचे से कैंसिल हो गया, एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ये सेम यही आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो इसने क्या क्या गिवन है अपने को, एफ एक्स का वैल्यू तो ये आ गया और जी एक्स का वैल्यू ये है। अब इसने आगे जो भी पूछा है वो अपन उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। पहले में पूछा है टेन जी जीरो जी वन का वैल्यू निकालना है, फिर उसमें टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाना है, वो भी हो जाएगा। फिर इसने जी एक्स और एच एक्स के सॉल्यूशन पूछे, जी एक्स क्या है अपना ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन, और एच एक्स भी उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ किए हुए ना, तो उसके अकॉर्डिंग, और ये थर्टीन बाई टू तो ये भी आ जाएगा इजीली। तो मैंने अपना ये कंप्लीट, फिर आता है सेक्शन सी जो कि कैसा है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, फाइव इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो, एफ अल्फा का इनवर्स कैलकुलेट करना है। पहले तो एफ अल्फा का, जो एफ अल्फा अपने पास में मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं, कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा जीरो, इसके अकॉर्डिंग ओपन कर दो, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ईजी रहेगा, वन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कितना आ गया प्लस माइनस प्लस, तो वन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो एफ ऑफ अल्फा का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, वन के, तो इसका इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एफ ऑफ अल्फा, एडजॉइंट निकाल दो, देखो ए इंटू एफ ऑफ बी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा, यही होगा एडजॉइंट के क्यों इक्वल हो जाएगा, ए यूनिवर्स ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, वन, एडजॉइंट ऑफ एफ अल्फा निकालना है, इसके साथ में क्या आएगा कॉस अल्फा माइनस जीरो, तो फर्स्ट एलिमेंट तो क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, सेकेंड एलिमेंट देखो साइन अल्फा, इस वाला एलिमेंट आएगा तो साइन अल्फा माइनस जीरो, तो माइनस साइन अल्फा आएगा एक, और थर्ड में क्या आएगा जीरो के साथ में, जीरो आ जाए जीरो, और फिर क्या लेना होता है अपने को, इसका ट्रांसपोज लेना होता है ना, साइन अल्फा के साथ में, यहाँ वाला एलिमेंट क्या आएगा, इसको और इसको गायब कर दो तो माइनस साइन अल्फा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, और ऐसे ही आगे करोगे तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन, ट्रांसपोज लेना है तो क्या आ गया कॉस अल्फा साइन अल्फा जीरो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जीरो 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 वन। अब देखो ये बेसिकली क्या है एफ ऑफ माइनस अल्फा के इक्वल है ना, देखो माइनस रखेंगे अल्फा की जगह माइनस अल्फा रखेंगे ना, तो वही आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल है एफ ऑफ माइनस अल्फा। अब देखो ए इंटू बी एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बी अल्फा,
ए का वैल्यू तो 1 हो गया, बी का वैल्यू -1 हो गया, ए प्लस बी पूछ रहा है, 1 - 1 0, तो पहले का आंसर कितना हो गया, 0। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ, देखो ये तो बहुत ही बेसिक सवाल है, हमेशा हर नोटबुक में मिल ही जाता है आपको। कैसे लिखते हैं इसको, पहली एंट्री तो इसके अकॉर्डिंग कर लो, 1 1, एक में इसको नेगेटिव रख दो, ठीक है, तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो गया। फिर यहाँ वाला एलिमेंट है ना, उसको -1 ले लो, क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस ले लिया, तो ये वाला 1 रखना है और इसको भी 1 रखना है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी हो जो रख लो, क्योंकि इस पे जो भी रखोगे तो ये 1 माइनस 1 1 और माइनस 1 जो भी रख लो, तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 प्लस 1 2, और -1 के साथ में 1 और -1 2, तो कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, 4। आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, ABC का वैल्यू 1 है, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, A³ B³ C³। देखो ए डैश ए ये क्या है, I के इक्वल है, तो इसका डिटरमिनेंट मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा, ए डैश और A का डिटरमिनेंट, I के डिटरमिनेंट मतलब 1 के इक्वल होना चाहिए, ए डैश का डिटरमिनेंट भी, ए डैश का डिटरमिनेंट ए होता है और इसका भी डिटरमिनेंट ए होता है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब इसके स्क्वायर का डिटरमिनेंट 1 है, तो ए का डिटरमिनेंट या तो 1 होना चाहिए या फिर माइनस। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो क्या बनेगा, ये BC - A² A into BC - A² फिर B के साथ में -B into B² - AC प्लस C के साथ में AB - C² इक्वल टू 1 और -1। देखो ABC 3 times ABC और ABC का वैल्यू कितना है, 1, माइनस क्या आएगा, A³ + B³ + C³ किसके इक्वल है, 1 और -1 के, A³ + B³ + C³ ये 1 इधर आएगा तो 2 आ जाएगा या तो वैल्यू, और -1 इधर आएगा तो 4, तो दो वैल्यू आ रहे किसके, A³ + B³ + C³। इसने क्या पूछा है, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन सा है, 2 और 4 में से 4, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, x cos α + 1 / x² + 2 cos α + 1, इसकी पावर 3/2 है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कैसा आ रहा है, λ x / x² + 2 x cos α + 1 ऐसा कुछ आ रहा है। चलो देखो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं अपन। देखो ये 1 को मैं ऐसा लिख दूँ, sin² α + cos² α, तो एक x + cos α का स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस sin² α, तो उसका कुछ कर सकते हैं, देखो x + cos α इसका स्क्वायर प्लस sin² α और उसकी पावर कितनी आ गई, 3/2, साथ में क्या है, dx, इंटीग्रेट करना है, तो x cos α और यहाँ पे 1 की जगह वापस वही sin² α + cos² α रख दे, x cos α, चलो x cos α को एज इट इज रहने देते, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं 1 से, sin α एक्स्ट्रा ही आएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x + cos α को क्या मान लेता हूँ, sin α (tan θ) मान लेता हूँ, टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये स्क्वायर वगैरह हट जाएगा, dx का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, sin α sec² θ (d θ). अब देखो x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे पर कितना आ जाएगा, sin α (tan θ) - cos α (cos α) प्लस 1/2, इसकी जगह मैंने लिखा sin α (tan θ), तो sin² α (tan²θ), sin² α कॉमन आ गया, बाहर आएगा तो स्क्वायर से 1/2 कैंसिल, तो sin³α बन जाएगा, और यहाँ पे 1 + tan²θ कितना हो जाएगा, sec²θ, और sec²θ पावर 3/2, तो sec³θ, और साथ में क्या है, sin α sec²θ और dθ। देखो sec²θ sec³θ से ये कैंसिल, sin α sin³α, देखो ये बनेगा 1 और यहाँ पे -cos² α, तो वो क्या बन गया,
साइन स्क्वायर अल्फा, तो क्या बन गया यहाँ पे देखो, साइन अल्फा टेन थीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या बन गया अपने पास में सेक थीटा, और ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन और करना। अब क्या है यहाँ पे साइन अल्फा एक यहाँ से कैंसिल और हो जाएगा और केवल जगह, अच्छा एक sec थीटा और बचा हुआ ना यहाँ पे, स्क्वायर से थ्री पावर कैंसिल हो गई, एक और बच गया। देखो साइन अल्फा यहाँ से एक और कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन अल्फा, तो वो तो एज इट इज लिख लो वन अपॉन साइन अल्फा। अब देखो वहाँ पे टेन थीटा है, उसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो, तो कॉस थीटा रखा तो ये sec थीटा के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो वो sec थीटा को खत्म कर देगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन थीटा, ये बचेगा कॉस अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। चलो वन अपॉन साइन अल्फा तो है ही यहां पे, साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस थीटा, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो अपन ने किसको लिया था, एक्स प्लस कॉस अल्फा को क्या लिया था, साइन अल्फा टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू अपने पास में क्या है, एक्स कॉस अल्फा, एक्स प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो यहाँ पे वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे अपने पास में ये वाला आ जाएगा, और इसको मर्ज करोगे तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, वन आ जाएगा। ये अपना आंसर क्या हो गया, फोर्थ का। फिर क्वेश्चन नंबर फाइव है जे एडवांस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, तो इसको अपने को इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बनेगा, तो वही अपना एम रहेगा कि x प्लस वन बाई एक्स कहीं ना कहीं बनाए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो बाहर कितना आएगा, एक्स कॉमन आएगा बाहर, डी एक्स अपॉन में क्या है, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स प्लस वन प्लस वन बाई एक्स, देखो ये दिख गया अंदर वाला। अच्छा अब देखो एक एक्स तो बाहर ही आ गया, अब वहाँ पे अगर इसको टी माने अपन, तो यहाँ पे डी टी बनना चाहिए, इसका डी टी क्या है, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कब बनेगा, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ऐसा कर दो एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या नीचे होना चाहिए, स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस। चलो अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बचा, यहाँ से एक एक्स कॉमन लूंगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसमें डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ गया, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन में, देखो ये कितना आ गया, एक्स कॉमन लिया यहाँ से तो एक्स बच गया एक, तो और यहाँ पे कितना बच गया टू, और प्लस वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन। अब देखो इसको टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे तो ये क्या हो गया, डी टी x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, इसको क्या मान लिया, टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स किसके इक्वल हो गया, टू टी डी टी, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, टू टी डी टी अपॉन ये क्या हो गया, टी स्क्वायर प्लस वन, और ये अंदर रूट टी स्क्वायर, तो टी टी से टी कैंसिल, तो टू टू तो ये बच गया, और टेन इनवर्स टी, और टी का वैल्यू ये है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया अपने पास में, टू, तो लैम्डा का वैल्यू टू आ गया, और इसी के साथ में ये अपना जेई एडवांस का सेक्शन भी खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।